पूसावादा विर्मनि सिखापदं स्मादयामि पूसावादा विर्मनि सिखापदं स्मादयामि। शिकार आपसे कहो हम बुद्धू हैं, जोर से कहो हम बुद्धू हैं, सारी दुनिया को बताओ कि हम बुद्धू हैं। ये बहुत ही गर्व की बात है अगर कोई आपको कहता है कि ये बुद्धू है या बुद्धिहीन है। दरअसल पुराने समय में यानी कि जब भगवान बुद्ध और उससे पहले जब प्राकृतिक भाषा नेचुरल भाषा जिसको आज पाली कहते हैं जो अपने आप बनी भाषा है उसमें कोई भी शब्द या शब्द या वर्ड या अक्षर या अक्षर या अल्फाज या लफ्ज ऐसा नहीं है जो बुद्धू शब्द आता हो। वहाँ जो शब्द है वो शब्द है बोध, और जिसको बोध हो जाता है कहते इसको बोध हो गया यानी इसको ज्ञान प्राप्त हो गया उसको कहते हैं ज्ञानी या बोधी। यानी बोधी पहले कहते थे, यानी बाद में कहने लगे। ज्ञानी शब्द में गय पाली के अंदर नहीं होता, यह होता है यह वाला, तो यानी और यान यानी कि इसको यान प्राप्त हो गया, यानी हो गया, अब ये ज्ञानी हो गया, बोधी हो गया। और जिसको बोधि प्राप्त हो जाती है बाद में संस्कृत भाषा में आते आते आज के समय मॉडिफाइड होते होते बदलते बदलते उस बोधि को बुद्धि कहने लगे कि ये बुद्धि इसको आ गई। और जो बिल्कुल सही बुद्धि होती है उसको पुराने समय में पय्या कहते थे, प्रज्ञा कहते थे। तो वो जो बोध हुआ है, वो जो बोधि प्राप्त हुई है और उसको प्राप्त करने वाले को आज के समय में बोधि ना कह के बुद्धिमान कहने लगे। वही बाद में जब सारा ज्ञान लगभग धूमिल हो गया, दब गया सम्राट अशोक के पत्थरों में और उसके बाद के राजाओं के पत्थरों में, नीचे जमीन में दब गया, दुनिया में फैल गया मगर भारत से अंधेरा हो गया, तो उन्हीं बुद्धिमान लोगों को, उन्हीं बोधि वालों को, उन्हीं बोध ज्ञानी को, उन्हीं बुद्ध की जानकारी लेने वालों को बुद्धू कहा गया। दरअसल जिसको बोध हो जाता है, जिसको बोधि प्राप्त हो जाती है और धम्म की प्राप्त हो जाती है उसको बुद्ध कहते हैं। और इसी बुद्ध से होते 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 बुद्धि होते होते और ये बुद्धू शब्द बना। और जब कोई कहता है कि ये बुद्धिहीन है तो वो बहुत ही ऊंची बात कहता है। दरअसल भगवान बुद्ध के जो अनुयायी थे जिन्होंने एक भी नियम भगवान बुद्ध के विनय का नहीं छोड़ा और सारे नियम की प्रैक्टिस करते रहे उनको बोलते हैं ही यानी, यानी ही यान। ही यानी का मतलब है, ही माने होता है वास्तविक ऐसे के ऐसे ही, और यान माने मार्ग, यानी जैसा बुद्ध ने वास्तविक मार्ग बताया था वही उसी मार्ग पे चलने वाले लोग, तो उनको कहते हैं बुद्धि ही यानी, यानी बुद्धिहीन कहने लगे। अगर आपको कोई कहता है जैसे महायानी या हीन यानी, हीन शब्द नहीं है, दरअसल हीन पूरी पाली में प्राणी भाषा में कहीं नहीं है, बाद में ही का ही हीन बना है और हीन को तुच्छ और नीचे करके बताने की कोशिश संस्कृत भाषा में की गई है। तो जब आपको कहता है कि ये बुद्धिहीन है तो दरअसल वो शब्द है बुद्धि ही यानी, यानी कि वास्तविक बुद्ध की बात को जानने मानने वाला व्यक्ति, जो बहुत ऊंची बात है। इसलिए बुद्ध का बुद्धू या बुद्धि का जो बुद्धू बना है इससे डरने की घबराने की बात नहीं है। बुद्ध दोबारा से आ गए हैं तो बोधि और जो बुद्ध शब्द है वो दोबारा से आएंगे, ये मार्ग दोबारा से आएगा। आपको स्वीकार करना चाहिए कि हम बुद्धू हैं क्योंकि ये बुद्ध से जुड़ा हुआ है। ये ठीक ऐसे है जैसे कोई राजा होता है और जब राज उसका चला जाता है तो ये कहते हैं ये राजू है, तो राजू शब्द राजाओं के लिए इस्तेमाल होता है। कोई अगर छोटा होता है तो उसको कहते हैं कि ये छोटे हैं, या कोई छोटी होती है तो कहते हैं ये छोटी है, या कहीं अगर हम ये कहते हैं कि ये मोटा है तो उसको कहते हैं मोटू है। तो ये नाम को थोड़ा सा डिमोनाइज करके, छोटा करके, ऊ लगा के, पुरानी भाषा में तो ऊ बहुत ज्यादा लगता था, जैसे धनवंतु यानी जिनके पास धनवंतु या धनवती या धनमंतु, मंतु शब्द लगता था, मंतु का बाद में वंतु हो गया, जैसे बलमंतु या वल बलवंतु, यानी अब तो वंतु हो गया पहले मंतु था। तो ये मंतु शब्द का मतलब होता है उससे युक्त, उससे जुड़ा हुआ जो उसके अंदर होता है। तो ये आपको अगर कोई कहे कि आप बुद्धिहीन हैं या बुद्धिमान हैं या आप बुद्धू हैं या आप बुद्धि से संबंधित कोई शब्द है तो आपको इसके अंदर फक्र होना चाहिए। और जो कहता है आपको बुड़वक
तो बुड़वक शब्द और भी ग्लोरी वाला है, क्योंकि ये बिहार के अंदर चलता है। इसका मतलब होता है, कहते अरे बुड़वक कहां जा रहा है, इसका मतलब है बुद्ध माणवक या बुद्ध माणविका। माणवक और माणविका जो होता है वो लड़के और लड़की के लिए इस्तेमाल होता है। माणवक माने होता है लड़का और माणविका माने होता है लड़की। और बुद्ध का लड़का और बुद्ध की लड़की, इसका मतलब है कि वो बुद्ध की फिलॉसफी पे चलने वाले लड़के और लड़की हैं। तो क्या बोलते हैं उनको, बुड़वक। बाद में क्योंकि पहले बोलते थे बुद्ध माणवक, बुद्ध माणवक से और बुद्ध माणविका से बन गया ये बुद्ध बुड़वक। तो आपको ये शान से कहना चाहिए, बिहार में बहुत चलता है, अरे बुद्ध माणवक, अरे बुड़वक कहां जा रहा है। धन्यवाद। टीम 22 पर सभी वीडियो बुक कॉपीराइट फ्री है। आप अपने पोर्टल पर, अपने YouTube पर, अपने Facebook पर या किसी भी जो भी ऐप है उस पर आप यहां से डाउनलोड कर टीम 22 से या Facebook से या मेरे पेज से कहीं से भी कोई भी वीडियो ले सकते हैं, उसको डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें अपने नाम का कुछ भी ऐड कर सकते हैं या अपनी कमेंट्री कर सकते हैं, उस वीडियो का कोई भी पार्ट आप ले सकते हैं, उसका प्रिंट मटेरियल भी बना सकते हैं, उसको किसी भी भाषा में आप बदल सकते हैं, उसका ऑडियो चेंज कर सकते हैं, उसका वीडियो ले सकते हैं। आप जैसे भी चाहें टीम 22 की किसी भी वीडियो का या सारी वीडियो का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमेशा कॉपीराइट फ्री थी और हमेशा कॉपीराइट फ्री रहेंगी। हमारा सिर्फ इतना काम होता है कि महापुरुषों की जो बातें हैं उन बातों को हम सरल भाषा में, आम भाषा में आप तक पहुंचा देते हैं। अब आगे आपका काम है कि आप अपनी भाषा में बदल के या ऐसा का ऐसा शेयर करके या इसको आगे भेजकर या इसका लिंक भेजकर या इसमें से कोई भाषा बदलकर या इसको प्रिंट कर या इसको लोड कर या डाउनलोड कर या इसको टीवी में बच्चों को दिखाकर या किसी को गिफ्ट कर जैसे भी चाहे वैसे इसको आगे पहुंचाएं। धम्म की सेवा सबसे बड़ी सेवा है, क्योंकि धम्म दान, धम्म को देना सभी देने में, यानी जितना भी हम किसी को देते हैं, दान देते हैं, उनमें सबसे बड़ा माना जाता है। अगर आपको लगता है किसी वीडियो में कोई परेशानी है तो आप हमें लिख के भेज दीजिए, हम दूसरा वीडियो बनाकर आपको भेज देंगे। आप धम्म की सेवा में सहायक बने, धम्म आपको खूब लाभ देगा, धम्म आपको लाभ देगा, आप धम्म को लाभ देंगे, ये दोनों इंटरचेंज है, यही धम्म की प्राकृतिक नियम है। धन्यवाद। Singam Sirunam Gacchami.